मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष तांडव कर रहा है, लेकिन सरकार को घेरने का एक भी मुद्दा उनके हाथ नहीं लग रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सत्ता पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरने के लिए लंबे समय से हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उल्टा उनकी ही कॉमेडी बन जाती है। राहुल गांधी खुद तो मनोरंजन करवा ही रहे हैं, साथ ही देश के अति गोपनीय एवं संवेदनशील रक्षा मुद्दों को भी दुनिया के सामने उछाल रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी देश सुरक्षा को ताक पर रखकर हर हाल में जनता को गुमराह कर बरगलाना चाहती है, लेकिन अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अभी अभी राहुल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल राफेल विमान की कीमत मात्र 1600 रुपए बता रहे हैं। और फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया कि 1600 रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा, 526 करोड़ में नहीं खरीदा जाएगा। सोशल मीडिया पर एक बार फिर राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत के साथ साथ अब तो पाकिस्तान भी राहुल गांधी के मजे ले रहा है। राहुल गांधी हर भाषण में राफेल की नई नई कीमतें बताते रहते हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल को सीरियसली लेना बंद कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रवक्ता ने राहुल की देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सेना से सूची मांगती रही बालाकोट स्ट्राइक में मारे गए लोगों की, आतंकियों की, तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात करे। यह तय है कि 70 फीट गड्ढे होते हैं उस बम के गिरने से, जो सेना ने हमारा गिराया है, तो 70 फीट गड्ढे और वहाँ पर आग का जब गोला था तो ये आतंकी बचेगा कैसे, सोचने वाली बात है। लेकिन बार बार इस तरह की बातें उठा के राजनीति करना, तो हमें नहीं लगा कि हमको इसमें सहयोग करना चाहिए। तो मैं बड़ा दुखी मन से, क्योंकि बड़े लंबे 30 वर्षों से इस पार्टी में काम कर रहा था, राहुल गांधी जी के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया, उनके पदाधिकारियों जो हैं हमारे अध्यक्ष ने कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हम काफ़ी दुखी मन से, पहले हमने समझा कि राष्ट्रहित जरूरी है, राष्ट्रहित में मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तो बच्चों के सामने भी राफेल का राग अलापना शुरू कर दिया है, जो कि बेहद निम्न किस्म की राजनीति है। एक स्कूल की बच्ची ने खेलकूद से रिलेटेड एक सवाल किया तो राहुल गांधी ने उसे राफेल और अंबानी से जोड़ दिया। सर, मेरे को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में सर। आई वुड लाइक टू गो, आई एम वेरी गुड इन बैडमिंटन, सो आई लाइक टू गो इन दैट फील्ड। आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? यस सर। कौन है ये? अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। सुना है अनिल? रिचेस्ट मैन इन इंडिया इज हिज ब्रदर, उसका भाई रिचेस्ट मैन है, मगर उसका छोटा भाई का नाम अनिल अंबानी है। यहाँ पे एनजीएल की फैक्ट्री है कि ना? आप लोग जानते हैं एनजीएल की फैक्ट्री है यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एनजीएल को मिलना था। यहाँ पे पास में कोरापुट में राफेल हवाई जहाज जो है, जो वायुसेना खरीद रही है, उसका यहां इंजन बनना था, मगर प्रधानमंत्री जी ने एनजीएल से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको मालूम है कि अनिल अंबानी को कितना फायदा हुआ? मैं आपको बताता हूं, 30,000 करोड़ रुपए। मतलब जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल मनरेगा को चलाने में लगता है, उतना पैसा प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को भी दिया। अब अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएल यहां पे इंजन बना रही है, 70 साल से एचएल में लोग काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने आपसे ओडिशा में रोजगार छीना, प्रधानमंत्री ने आपका जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका पैसा आपसे छीनकर अनिल अंबानी को दिया। और यही यही बात ओडिशा में हो रही है।
चुनाव नजदीक आते ही राहुल की लोकप्रियता धराशायी हो गई है तो मोदी जी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनाव में जनता किसके साथ है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।